जैसे BSNL को पैसे कोई देता नहीं है, जिन्हें जो है हिंदुस्तान का इतना ताकतवर इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी जो है दूसरे लोग उससे सर्विस ले रहे हैं और ये बेचारा जो है असहाय बना हुआ दिख रहा है। हाईकोर्ट के अंदर BSNL चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब जगह BSNL चल रहा है और वो वीक है। किस पॉइंट के पे आए हैं आप? सर ये 7/11 की एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट। दोनों में 7/11 है जी? किस पॉइंट पे 7/11 लगाई? इट इज बार्ड बाय लॉ। कौन सा लॉ? ये सर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997। ये रेस्पोंडेंट जो है वो लाइसेंस होल्डर थे हमारे BSNL। वी हैव इन्फ्लिक्टेड पेनाल्टी अगेंस्ट देम। उन्होंने उसको सूट फाइल किया। वी रेज एन ऑब्जेक्शन दैट इट इज दिस मैटर कवर्ड अंडर 1997 एक्ट। सेपरेट अथॉरिटी है वो ही इस टाइप के डिस्प्यूट देखती है। बताइए उसमें बार कौन सा पढ़िए? सेक्शन 15 बार। सेक्शन 15 जी बार 5। कौन सा एक्ट है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इंडिया एक्ट जी 1997। सेक्शन 27 भी है सर, ये बार करता है जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या सेक्शन 15 बोला ना आपने? 15 और 27 दोनों। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूटर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जी व्हिच द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड जी। वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को कौन कौन से? सर सेक्शन 14 14 जी। कोर्ट ने तो इस आधार पर कहा है कि ये जितने भी अपीलेट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है जी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में आता है वो सारी की सारी जो भी है वो दावे की रिलीफ से भिन्न है। सर ये जो सेक्शन 14 में देखेंगे सर, एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट, जो एनी डिस्प्यूट है लाइसेंसर और लाइसेंसी का वो ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में, उसको ये नहीं बोल सकते ये डिस्प्यूट जाएगा ये नहीं जाएगा। कोर्ट ने लास्ट पैरा में ये कहा है कि जो पेनाल्टी लगाई गई है वो इसमें नहीं आएगी, कोई रीजन नहीं दिया क्यों नहीं आएगी। क्योंकि तो अभी तो ये वो दावा का दावा की कॉपी नहीं है सर, वो ये दावे की कॉपी के बिना 7/11 का आवेदन कैसे पेश किया होगा? हाँ नहीं लेकिन वो फाइल हुई नहीं है, रिकॉर्ड आए वेयर फ्रॉम वी कैन गेट वेयर इज द प्रिंट कॉट थोड़ी आता है 7/11 की पिटीशन में। हाँ इसके साथ सर लगा दूसरी पिटीशन लगा दीजिए आप अपने 7/11 में, दावे के बिना तो देख नहीं सकते ना। हम दावा फाइल कर देते हैं, कुछ नहीं है वैसे भी जो है वहाँ वही जाओ या नहीं सर ये तो बार्ड बाय खारिज कर देते हैं। हाँ आप
से पढ़िए क्या वो अलाउ by the petitioner defendants challenging the order dated. वैसे BSNL को पैसे कोई देता नहीं है तो वैसे इसलिए तो सर पेनाल्टी लगाई थी कि सारे कस्टमर जो है वो दूसरी प्राइवेट में जा रहे थे, इसलिए पेनाल्टी लगाई थी, नहीं आते सिग्नल, इसी की पेनाल्टी थी वो, इसको इन्होंने अथॉरिटी के समक्ष जाना था, इन्होंने सूट लगा दिया। सिग्नल जो है हिंदुस्तान का इतना ताकतवर इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी जो है दूसरे लोग उससे सर्विस ले रहे हैं और ये बेचारा जो है असहाय बना हुआ दिख रहा है। हाईकोर्ट के अंदर BSNL चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब जगह BSNL चल रहा है और वो वीक है, इसीलिए सर उन्होंने जो पैसे का दावा लगाया BSNL ने वो यहाँ चल रहा है 25 साल से, ना? अभी तक सर ये अथॉरिटी के समक्ष जाते तो अभी तक तो डिसाइड हो जाता ही, तो सुना दी होगी सर हिंदुस्तान के जो है वकीलों ने तो चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 7/3/2014 पास बाय 7th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भोपाल इन RCS A 1189/2013 सिविल सूट नंबर IT 245/2013 whereby petitioner oblique defendant apostrophe as application answer order 7/11 CPC has been dismissed. Thank you. No problem.